मूवी स्टार्ट होते ही हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम था डेविड और एक का नाम था पीटर। वो दोनों भाई किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। जिस लड़की को उन भाइयों ने किडनैप किया हुआ था उसका नाम था ट्रेसी। ट्रेसी जो कि एक क्रिमिनल की बेटी थी और इन भाइयों ने ट्रेसी को पैसों के लिए किडनैप किया था। एनीवेज वो दोनों भाई ट्रेसी को कार से निकालकर एक रूम में लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जिस रूम में उन्होंने ट्रेसी को रखना था वो लॉक्ड था और उसकी चाबी नीचे रह गई थी। तब डेविड पीटर को कहता है कि नीचे चाबी लेने मैं जाता हूँ, तब तक तुम इस लड़की पर नजर रखो। फिर डेविड चाबी लेने नीचे चला जाता है और पीछे से पीटर ट्रेसी को घूर कर देख रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ट्रेसी तो अब होश में आ चुकी है। जब ट्रेसी को रियलाइज होता है कि वो उसे घूर कर देख रहा था, तब ट्रेसी उसके फेस पर अपना सर दे मारती है और उसे इतना मारती है कि उसकी नाक की हड्डी तोड़ देती है। दर्द की वजह से पीटर चिल्लाने लगता है और पीटर की आवाज़ सुनकर जल्दी से डेविड ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर वो देखता है कि ट्रेसी को होश आ गया है और वो उसके भाई को बुरी तरह से मार रही है। डेविड जल्दी से ट्रेसी को उस रूम में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो ट्रेसी को बांध देता है। फिर उस रूम का दरवाजा बंद करके वो दोनों भाई नीचे चले जाते हैं। डेविड पीटर को कहता है कि मुझे पता है कि उस लड़की ने तुम्हारा ऐसा हाल क्यों किया है, जरूर तुम उसे घूर रही होगी। जिस पर पीटर साफ इनकार करके बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जैसे उस लड़की को होश आया वो मुझे मारने लग गई। फिर डेविड अपने भाई पीटर की नाक पर बैंडेज लगाता है। इसके बाद हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेसी का फादर यानी अर्नी अपने बेटे को पैसों से भरा हुआ बैग देकर भेजता है किडनैपर्स के पास। फिर ट्रेसी का भाई पैसों का बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ट्रेसी का फादर यानी अर्नी अपने एक पार्टनर को कहता है कि मेरे बेटे के पीछे दो आदमियों को लगा दो, क्योंकि उसे अपने बेटे पर डाउट हो चुका था कि वो भी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। फिर ट्रेसी का भाई पैसे लेकर डेविड और पीटर के कॉटेज में आ जाता है। बैग को देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं कि इसके अंदर कितना सारा पैसा होगा, लेकिन उनकी उम्मीद बहुत जल्द टूटने वाली थी। डेविड ट्रेसी के भाई से पूछता है कि ये पैसे दिखने में कैसे हैं, जिस पर ट्रेसी का भाई कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैंने बैग को चेक नहीं किया था। तब डेविड को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है और वो जल्दी से बैग खोल देता है चेक करने के लिए, और जो चीज डेविड बैग में देखता है वो देख कर उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर बाहर खड़े अर्नी के आदमी समझ आते हैं कि उसने जरूर बैग खोल के चेक कर लिया होगा। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस बैग में पैसे तो नहीं थे बल्कि टिश्यू थे उसमें। फिर हम देखते हैं कि ट्रेसी ने अपने मुंह पर लगी हुई पट्टी को खोल लिया है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पीटर एकदम से डर जाता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट कर सीधा पानी में जाकर गिरता है। इसके बाद पीटर घर के अंदर आ जाता है, वो देखता है कि डेविड फिर से ट्रेसी को बांध रहा है, लेकिन ट्रेसी जो कि उन दोनों भाइयों का और अपने भाई का चेहरा देख चुकी थी। अब क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं होता, इस वजह से डेविड कॉल करने के लिए अपने कॉटेज के करीब ही एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में जाता है। जैसे ही कॉल करके डेविड फोन बूथ से बाहर आता है, वो देखता है कि गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। उनमें से एक आदमी डेविड से पूछता है कि क्या तुम क्रीम वाले कॉटेज में रहते हो, जिस पर डेविड उससे पूछता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब। वो आदमी डेविड को वार्निंग देता है कि अपने डोर्स और विंडोज को बंद करके रखना और रात को घूमने बाहर भी ना जाए और किसी को अपने घर में ना आने दे, क्योंकि इस एरिया में बहुत खतरा है और वहाँ पर लोग गायब भी हुए हैं। लेकिन डेविड उन लोगों की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। डेविड जो कि काफी परेशान होता है और वो घर पर आ जाता है। घर देखता है कि ट्रेसी का भाई घर में भी होश पड़ा हुआ है, जबकि ट्रेसी और पीटर घर पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रेसी पीटर को अपने साथ कहीं पर ले गई है। ये सब कुछ देखकर डेविड को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से ट्रेसी के भाई को होश मिलाता है और गुस्से में उसे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। ट्रेसी का भाई भी डेविड को बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी, ट्रेसी ने हमें बेवकूफ बनाया और उसी ने हमारा ये हाल किया है, और वो पीटर को लेकर अपने साथ चली गई है। ये सुनकर डेविड को ट्रेसी पर काफी गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि ट्रेसी उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं थी। तभी उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है। डेविड जब दरवाजा खोलता है तब एक इंजर्ड आदमी अंदर आकर गिरता है। वो आदमी लगभग मरने के करीब था, उसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी। ट्रेसी का भाई जानता था कि ये लड़का कौन है और वो डेविड को बताता है कि ये तो मेरा बार्बर है। ये सुनकर अब डेविड को ट्रेसी के भाई पर भी गुस्सा आता है कि ये कितना बेवकूफ है कि इसने किडनैपिंग के प्लान के बारे में अपने बार्बर को भी बता दिया, और इसी वजह से ट्रेसी के फादर अर्नी को पता चला था कि उसका बेटा भी इस किडनैपिंग में शामिल है। और जो दो आदमी उनके पीछे लगे हुए थे वो ही इस बार्बर को यहाँ पर लाए थे, क्योंकि इस बार्बर ने उन्हें सारी रियलिटी बता दी थी। बस ये कहते ही अचानक से ही उस आदमी का पेट फट जाता है और उसकी सारी इंटेस्टाइंस बाहर आ जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। डेविड फौरन समझ जाता है कि जो दो आदमी उनके पीछे लगे हुए थे उन्होंने ही इस बार्बर का ये हाल किया था। फिर हमें दिखाई जाती है ट्रेसी जो कि चाकू दिखाकर पीटर को अपने साथ लेकर जा रही थी और उसने पीटर की शक्ल भी बिगाड़ दी थी। ट्रेसी पीटर को बताती है कि मैं यहाँ पर कोई घर ढूंढ रही हूँ ताकि मैं अपने फादर को कॉल कर सकूँ और मेरे फादर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक फार्म हाउस मिलता है जिसके बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि इस जगह जाना अलाउ नहीं है, खतरा है, इस जगह से दूर रहिए। लेकिन ट्रेसी उस नोटिस बोर्ड को इग्नोर करके पीटर को अपने साथ उस फार्म हाउस में ले जाती है। वो एक काफी बड़ा फार्म हाउस था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। ट्रेसी और पीटर घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम जंगल में डेविड और ट्रेसी के भाई को एक साथ देखते हैं जो कि ट्रेसी और पीटर को ढूंढने आए थे वहाँ पर। चलते चलते डेविड की नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो अर्नी के आदमी की डेड बॉडी देख पाते हैं। किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उसका गला काटा होता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और हमें फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है। ट्रेसी वहाँ पर फोन ढूंढने के लिए ऊपर वाले रूम में जाती है और पीटर नीचे ही खड़ा हुआ था। तभी उसे बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई देती है और तब उसकी नजर बेसमेंट के उस डोर पर पड़ती है और उसे एक बार फिर से वहाँ से आवाजें आती हुई सुनाई देती है और ये आवाजें बेसमेंट से ही आ रही थी। पीटर डर जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर ट्रेसी को नीचे बुला लेता है। ट्रेसी जब उसके पास आती है तब वो ट्रेसी को बताता है कि मुझे उस बेसमेंट के डोर से आवाजें आ रही हैं। ये सुनकर ट्रेसी उस डोर को ओपन करती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर ट्रेसी पीटर पर गुस्सा करती है और उसे बुरा बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें ऐसे ही कुछ सुनाई दे देता है, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन बोलते बोलते अचानक से वो एकदम ही चुप हो जाती है
और शॉक्ड रह जाती है जो कुछ वो देख रही थी। तब पीटर उसे पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम क्यों चुप हो गई। तब वो कहती है कि देखो उस फ्रीजर में हाथ पड़े हुए हैं किसी के। तब पीटर भी उस फ्रीजर को देखता है जहाँ पर हाथ पड़े हुए थे और वो भी शॉक्ड रह जाता है। पीटर ट्रेसी को कहता है कि इस जगह पर खतरा है और हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ट्रेसी कुछ कर भी पाती, एक बुचर नाइफ ट्रेसी के पेट से बाहर आती है और तभी हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर एक डिफॉर्म आदमी रहता है जो कि कैनिबल है और पागल है बिल्कुल। और इस डिफॉर्म कैनिबल का नाम होता है द फार्मर। और वो बेसमेंट के उस दरवाजे से बाहर आता है और वो ट्रेसी के पेट से उस बुचर नाइफ को निकाल लेता है और अब वो गौर से देख रहा होता है पीटर को। उसे देख कर पीटर बुरी तरह डर जाता है और वो जल्दी से भागकर ऊपर वाले रूम में आ जाता है और ऊपर की विंडो से कूद कर वो नीचे गिर जाता है। पीटर किसी तरह वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी ट्रेसी वहाँ पर आकर पीछे से उसे आवाज लगाती है जो कि मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी। वो पीटर को कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। तभी वो दोनों भागने लगते हैं और दी फार्मर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है जिसकी वजह से पीटर डर जाता है और वो ट्रेसी को वहीं पर ही छोड़कर भाग जाता है। फार्मर ट्रेसी को टांग मारकर उसे नीचे गिरा देता है और बस अब वो ट्रेसी का काम तमाम करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो एक शॉवल से फार्मर पर अटैक कर देता है जिससे फार्मर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ट्रेसी पीटर को कहती है कि इस फार्मर की बुचर नाइफ से तुम इसे ही मार डालो। लेकिन पीटर ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने अब से पहले किसी को मारा जो नहीं था। अभी वो दोनों आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि फार्मर को होश आ जाता है और वो उस शॉवल को उठाकर पीटर का पैर काट देता है। पीटर दर्द की वजह से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तब फार्मर ट्रेसी को अपना सर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और अब फार्मर शॉवल लेकर पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रेसी उठकर फार्मर पर चिल्लाने लगती है कि इसे जल्दी से मारो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। ट्रेसी के चिल्लाने की वजह से फार्मर को गुस्सा आ जाता है। तब वो शॉवल को ट्रेसी के मुंह में ही घुसा देता है और वो शॉवल पर प्रेशर देता है जिससे ट्रेसी के फेस का ऊपर वाला हिस्सा कट कर नीचे गिर जाता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। ये देखकर पीटर चिल्लाने लगता है। तब फार्मर उसके मुंह पर वो शॉवल मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में फार्मर पीटर को अपने साथ ले जाता है और वो मीटुक से पीटर को उसकी जैकेट के जरिए लटका देता है और ट्रेसी की डेड बॉडी को अपने साथ अंदर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड और ट्रेसी का भाई भी अब उस फार्म हाउस तक आ चुके थे। उन्हें वहाँ पर यही कैनिबल का फार्म हाउस मिलता है और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ट्रेसी के भाई का पैर एक ट्रैप में आ जाता है और ये ट्रैप फार्मर ने ही लगाया था। फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फार्मर ने पीटर का पैर काटा था और ट्रेसी को जान से मारा था। तभी डेविड की नजर पीटर के कटे हुए पैर पर पड़ती है। ये देखकर डेविड कहता है कि भाड़ में गया वो पैसा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, अब मैंने सिर्फ अपने भाई की जान बचानी है। तभी उन्हें एक रूम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो लाइट ऑन करते हैं और जो कुछ भी वहाँ पर वो देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो काफी शॉक रह जाते हैं क्योंकि उस पूरे रूम में लोगों के कटे हुए सर पड़े थे किसी शो पीस की तरह। तभी उनमें से एक सर हिलने लगता है। डेविड जब गौर से देखता है तो वो फार्मर का सर होता है। फार्मर डेविड पर अटैक करके उसे रूम से बाहर फेंक देता है। फार्मर एक बड़ा सा पिकैक्स उठाकर डेविड के पैर में दे मारता है। फिर दूसरी तरफ ट्रेसी का भाई भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर घोड़े रहते थे। फार्मर ट्रेसी के भाई को ढूंढने के लिए वहाँ पर आता है लेकिन उसे ट्रेसी का भाई कहीं पर भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ट्रेसी का भाई ये छुपकर देख रहा होता है लेकिन अभी वो थोड़ा रिलैक्स ही होता है कि अचानक से उसका फोन बजने लगता है और वो फोन उसके फादर यानी अर्नी का था। वो अपने फादर को बताता है कि यहाँ पर एक पागल डिफॉर्म है जिसने ट्रेसी को मार दिया है और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी अचानक से वहाँ पर फार्मर आ जाता है और वो ट्रेसी के भाई पर नाइफ से स्टैब कर देता है। बाद में फार्मर उसी नाइफ से उसकी पूरी कमर को ही काट डालता है। बाद में वो उसकी पूरी स्पाइन को उसके सर समेत ही उखेड़कर बाहर निकाल देता है। ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। ऐसा करके फार्मर बहुत खुश होता है। अब क्योंकि डेविड के पैर पर पिकैक्स लगी हुई थी इसीलिए दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगता है और तभी पीटर जो कि मीट हुक पर लटका हुआ था उसे होश आ जाती है। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खुद को उस मीट हुक से आजाद करता है और बाद में क्रॉलिंग करते हुए वो डेविड के पास आ जाता है और वो डेविड के पैर पर लगे उस पिकैक्स को निकालता है जिससे डेविड को काफी पेन होती है। वो दोनों भाई वहाँ पर लेटकर बातें करने लगते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं कि कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। लेकिन तभी डेविड अचानक से उठ जाता है और वो कहता है कि हम नहीं मरने वाले, हम यहाँ से जिंदा ही बचकर वापस जाएंगे। वो दोनों फोन ढूंढने के लिए दोबारा से फार्म हाउस में आ जाते हैं। डेविड पीटर को नजर रखने के लिए नीचे ही रुकने को बोलता है और खुद वो चेक करने के लिए ऊपर जाएगा और जब डेविड ऊपर जाता है तब उसे एक रूम से गंदी सी स्मेल आने लगती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उसी रूम में जाता है। जो कुछ वो वहाँ पर देखता है उसे यकीन नहीं आता कि उसकी आंखों ने ये क्या देख लिया है। उसका दिल खराब हो जाता है और उसे वो मिटाने लगती है क्योंकि वहाँ पर इंसानी फेस के कटे हुए मास्क थे और वो सारे के सारे फार्मर के विक्टिम्स के मास्क थे। वहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी थी जिसमें फार्मर किसी का मास्क पहनकर दो औरतों के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। डेविड एक विंडो से देखता है कि फार्मर फिर से घर के अंदर आ रहा है, इसीलिए वो भागते हुए पीटर के पास आता है और उसे बताता है कि वो बाहर आ चुका है। इसीलिए वो विंडो से बाहर देखने लगते हैं और एक बार फिर से उन्हें बेसमेंट के दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से बेसमेंट के उस दरवाजे की तरफ देखते हैं। सेम उसी टाइम ट्रेसी के भाई का सर उसकी स्पाइन समेत विंडो को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तो वो दोनों भाई वहाँ से भागने ही लगते हैं कि उनके सामने फार्मर आ जाता है। फार्मर डेविड को साइड पर धक्का देकर पीटर को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। डेविड फार्मर को मारने के लिए वहाँ पर एक हथियार ढूंढने लगता है और तभी उसके हाथ में एक बुक लग जाती है। जब फार्मर देखता है कि वो बुक अब डेविड के हाथ में है तो वो पीटर को छोड़ देता है और तो और डर भी जाता है। अब क्योंकि फार्मर बोल नहीं सकता था इसीलिए वो इशारों से डेविड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस बुक में जो पिक्चर्स हैं उन्हें कुछ मत करना। तब उनमें से एक पिक्चर को डेविड ले लेता है और वो फार्मर को कहता
कहता है कि तुम जल्दी से बेसमेंट में चले जाओ वरना मैं इस पिक्चर को फाड़ दूंगा। और डेविड पीटर को कहता है कि तुम वहाँ पर पड़ी हुई कैबिनेट के पास जाओ और जब फार्मर बेसमेंट में चला जाएगा तब तुम ये कैबिनेट बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर फेंक देना, जिससे होगा ये कि हम इसे हमेशा के लिए उस बेसमेंट में बंद कर देंगे। पीटर ऐसा ही करता है और वो जाके कैबिनेट के पास खड़ा हो जाता है, जबकि डेविड कंटिन्यूअसली फार्मर को धमकाते जा रहा था कि मैं इस पिक्चर को फाड़ दूंगा, जल्दी से बेसमेंट में चले जाओ। डेविड थोड़ी सी पिक्चर फाड़ भी देता है जिसमें फार्मर की बीवी की पिक्चर थोड़ी सी फट जाती है। ये देखकर फार्मर को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से टेबल से एक पिकेक्स उठाता है और उसे डेविड के सीने पर स्टैप करता है और वो डेविड से उस पिक्चर को स्नैच कर लेता है और अपनी वाइफ की पिक्चर को जोड़ने लगता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर पीटर काफी दुखी हो जाता है कि अचानक से ही कितना बुरा हो गया उनके साथ। पीटर डेविड के पास आता है लेकिन डेविड मर चुका था। अपने भाई को मरा हुआ देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है फार्मर पर। तब उसकी नजर करीब पड़ी हुई एक रस्सी पर पड़ती है, तब वो उस रस्सी को उठाता है और उसे फार्मर के गले को लपेट कर फार्मर का दम घोटने की कोशिश करता है, लेकिन फार्मर पीटर को धक्का दे देता है और पीटर जाकर गिरता है सीधा उस बेसमेंट के दरवाजे के अंदर और बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन वो रस्सी काफी बड़ी थी इसीलिए पीटर अपना पूरा जोर लगाकर उस रस्सी को खींचने लगता है। फार्मर का सांस बंद होने लगता है इसीलिए वो जान बचाने के लिए उस कैबिनेट को पकड़ लेता है। तब पीटर अचानक से जोर से रस्सी खींच देता है जिससे फार्मर उस बेसमेंट की डोर पर आकर गिरता है, साथ साथ वो कैबिनेट भी उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन अभी भी पीटर मुसलसल अपनी जान लगाकर उस रस्सी को खींचता जा रहा था। हम देखते हैं कि फार्मर का हैंड मूव करना बंद कर गया है, इसका मतलब ये है कि फार्मर मर चुका है। जब पीटर को रियलाइज होता है कि फार्मर मर चुका है तो वो उस रस्सी को छोड़ देता है और वो बेसमेंट की उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का डोर ओपन नहीं हो सकता था क्योंकि उसके ऊपर फार्मर था और फार्मर के ऊपर वो कैबिनेट गिरी हुई थी और अब पीटर उस बेसमेंट में ही फंस गया था। तब पीटर अपने लाइटर को जलाता है और आगे बढ़ता है बेसमेंट में। अचानक से पीटर का लाइटर ऑफ हो जाता है लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था और उसका लाइटर एक बार फिर से ऑन हो जाता है और अब वो बिल्कुल उस जगह पर आ जाता है जहां पर चारों तरफ उसकी मौत थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पर फार्मर की कैनिबल बीवियां और उसके बच्चे थे जो कि इंसानों का गोश्त खा रहे थे। पीटर बुरी तरह डर जाता है और अचानक से वो मुंह से ये निकाल देता है, यू मस्ट बी जोकिंग विद मी। ये सुनकर फार्मर की सारी कैनिबल बीवियां और बच्चे पीटर पर अटैक कर देते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। पीटर का लाइटर भी ऑफ हो जाता है और वो चिल्लाता है और फिर वहां पर अंधेरा छा जाता है। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पर हम फर्स्ट टाइम अर्नी को देखते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ उसी फार्म हाउस में आया था। वो लोग फार्म की मेन डोर की तरफ अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां से फार्मर निकल कर आता है जो उन लोगों को मारने के लिए अपने साथ पिकेक्स भी लाया होता है। फार्मर उनकी तरफ पिकेक्स मारता है और एक बार फिर से यहां पर अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।